ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ नमो भगवते रामचन्द्राय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड या स्विच ऑफ मोड में रखें, और जिन माताओं के साथ छोटे बच्चे हैं कृपया उन पर ध्यान दें ताकि वो कथा में बाधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के विशेष रविवार की क्लास में। कल हनुमान जी का जन्मोत्सव था। रामनवमी के पश्चात की जो पूर्णिमा, जहाँ हम राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, ये जो मुद्रा में हनुमान जी अपने आप को प्रस्तुत किए हैं,
इस मुद्रा को कहते हैं राम किंकर मुद्रा। किंकर का अर्थ है हनुमान जी हर समय एक प्रश्न पूछते रहते हैं कि हे प्रभु श्री राम मेरे आराध्य, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं। एक प्रश्न है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हनुमान जी का प्रश्न हर समय क्या होता है, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूं, और बताइए और बताइए। तो यह है राम किंकर मुद्रा, जहां पर हनुमान जी की बहादुरी और हनुमान जी की विनम्रता, ये दोनों का समन्वय है। तो अपनी अंजलि में उन्होंने गदा को लिया है, तो अंजलि बद्ध मुद्रा में गदा को लिए वो ये बता रहे हैं कि राम के सेवक के अंदर ये दो प्रमुख गुण होने चाहिए। यदि राम के मिशन को अकम्प्लिश करना है उनके अनन्य सेवक के रूप में, तो बहादुरी होनी चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए और उसके साथ साथ विनम्रता होनी चाहिए, इनोसेंस एंड इंटेलिजेंस। ये कॉम्बिनेशन एक है हनुमान जी का। जैसे वो एक लोक कथा है जहां अयोध्या में पहुंचने के पश्चात अब सभियों ने निर्णय लिया कि हनुमान जी को थोड़ी सेवानिवृत्ति देनी चाहिए, क्योंकि हर समय उन्होंने इतनी सेवा करी है तो थोड़ा वैकेशन उनको मिलना चाहिए। तो शत्रुघ्न को कह देते हैं कि हनुमान जी अब आने वाले हैं अयोध्या, तो उनको ये सूची दिखा देना कि ऑलरेडी राम की सेवा का लिस्ट बन चुका है। तो हम ये कथा सुने हैं अक्सर, जब हनुमान जी वो लिस्ट को देखते हैं और कहते हैं कि एक सेवा इसके अंदर लिस्टेड नहीं है। और ये कोई सेवा, इसको आप सेवा भी नहीं बोलोगे। हनुमान जी जैसे भक्त वो सेवा क्रिएट करते हैं। तो जब रामचंद्र जी जम्हाई लेंगे तो चुटकी बजाने वाला कोई नहीं है। तो यहां पर मासूमियत दिख रही है और उस मासूमियत के साथ बुद्धिमानी। तो हमें क्या लगता है कि हनुमान जी को पता नहीं था कि ये कोई सेवा की कैटेगरी में नहीं आ सकता। उन्हें पता था, उन्हें ये न के न प्रकारेण राम और सीता के इर्द गिर्द रहना है, ये उनकी बुद्धिमानी। और वो सिंदूर की स्टोरी जहां वो अपने पूरे शरीर को लाल कर राज दरबार में आकर खड़े हो जाते हैं और रामचंद्र जी देख रहे हैं कि हनुमान जी ये कौन सा नया अवतार है तुम्हारा। तो इसके अंदर मासूमियत दिखती है। तो ये सारी जो कथाएं हैं हनुमान जी के संदर्भ में, जिसके अंदर उनका इनोसेंस दिख रहा है, परंतु उसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि हनुमान जी कितने बुद्धिमानी हैं, कितने बहादुर हैं, कितने विनम्र हैं। तो जब प्रभु श्री राम अपने साकेत धाम जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि कुछ मांगो हनुमान। हर समय पूछा करते थे, हनुमान जी कुछ ज्यादा मांगते नहीं थे। हर समय हनुमान जी अनन्य भक्ति इत्यादि ये सब कुछ ही मांगते थे। तो अब रामचंद्र जी वापस लौट रहे हैं, तो है ना, लौटते समय फाइनल वरदान मैं देना चाहता हूं हनुमान तुम्हें, तो मांगो। तो हनुमान जी प्रभु श्री राम से ये सुंदर वरदान मांगते हैं। इससे हम शुरुआत करेंगे हनुमान जी का गुणगान करते हुए, मेरे पीछे दोहराइए, श्री हनुमान वाच स्नेहो में परमो राजन त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीरा
भावो नान्यत्र गच्छतु। श्री हनुमानुवाच, स्नेहो मे परमो राजन् त्वयि तिष्ठतु नित्यदा, भक्तिश्च नियता वीरा, भावो नान्यत्र गच्छतु। श्री हनुमानुवाच, स्नेहो मे परमो राजन् त्वयि तिष्ठतु नित्यदा, भक्तिश्च नियता वीरा, भावो नान्यत्र गच्छतु। स्नेहो में परमो राजन। हनुमान जी प्रभु श्री राम को राजन उल्लेख कर ये प्रार्थना, ये उनकी याचना अनुरोध है कि नित्यदा, केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए नित्यदा आपके प्रति स्नेह, आपके प्रति भक्ति, आपके प्रति आपकी सेवा, इस भाव में मुझे आप हर समय रखिए। इसके अलावा मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं। यावत राम कथा वीरा चरिष्यति मही तले तावत शरीरे वत्स्यन्तु प्राण मम न संशयः। कि जब तक इस धरातल में आपके कथा कीर्तन हो रहा हो, जहां कहीं पर भी, वहां पर ये मुझे संदेश दीजिए कि मैं वहां पर मौजूद रहूं, और इसके अलावा इस शरीर से मैं और कुछ करने की इच्छा नहीं रखता। तो जब ऐसी प्रार्थनाएं हनुमान जी प्रभु श्री राम से मांग रहे हैं, और हम यदि
हनुमान जी के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं, राम के भक्त बनना चाहते हैं, तो हमारी राम भक्ति की शुरुआत भी और मध्य और अंत इसी प्रकार का होना चाहिए। हालांकि अंत तो भक्ति का नहीं होता है, परंतु निरंतर हमारे भक्ति का जो भाव है वो ये भाव होना चाहिए। अब देखिए, जब हम ठीक से प्रामाणिक संप्रदाय में हनुमान जी को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें ऐसे भाव समझ में आते हैं। अन्यथा हैं, हनुमान जी के बहुत से भक्त हैं, ज्यादा भक्त हैं पूरे भारत में, और हनुमान जी से बहुत कुछ मांगते हैं और हनुमान जी देते भी हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं देते, वो देते भी हैं, परंतु हृदय से यदि हनुमान जी कुछ देना चाहते हैं तो क्या है, वो राम के प्रति अनन्य भक्ति। तो आज हम एक हनुमान चालीसा का एक पद लेंगे जिसमें हनुमान जी जो कि अष्ट सिद्धि से परिपूर्ण हैं, और न केवल वो अष्ट सिद्धि से परिपूर्ण हैं बल्कि यहां पर कहा गया है कि वो प्रदान भी करते हैं उसे। तो हमारे रामायण के जो वैष्णव टीकाकार हैं उनके अनुसार हनुमान जी ने कौन सी वो अष्ट सिद्धि प्राप्त की है। साधारणतः इस पद का अनुवाद क्या होगा कि कौन सी वो अष्ट सिद्धियां हैं, अनिमा लगिमा, ये सारी जो सिद्धियां हैं जिसके अंदर जो योगी ये सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, इसके विषय में बताया गया। परंतु हमारे वैष्णव टीकाकार आज उनके निरूपण के अनुसार शुद्ध भक्ति के स्तर पर हनुमान जी ने कौन सी सिद्धियां प्राप्त की, और हम यदि ऐसे शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें हनुमान जी के पदचिन्हों पर चलते हुए वो कौन सी विशेष अष्ट सिद्धियां हैं जिनको हमें प्राप्त करना है, उसकी हम चर्चा करेंगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो ये जो अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हुई हैं जो कि वो वरदान के रूप में प्रदान भी करते हैं, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने जो जानकी माता की सेवा की, और वो ऐसी सेवा थी कि जब वो समंदर पार कर अशोक वाटिका में सीता मैया के सामने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर जाते हैं, तो शुरुआत में माता सीता उन्हें संशय होता है कि कहीं ये रावण तो नहीं भेष बदल कर फिर से आया है। परंतु जब प्रामाणिकता समझ में आती है सीता मैया को हनुमान जी की, और जो विनम्रता और जो भाव और सारे ये गुण एक साथ माता सीता देखती है हनुमान जी में, तो माता सीता वरदान देते हुए कहती है हनुमान जी को कि जो हनुमान तुमने किया है, एक छलांग में ये समंदर पार किया और अकेले रावण की लंका में, क्योंकि 10 महीने से रह रही है सीता, तो सीता भली भांति जानती है रावण को और रावण की लंका को, रावण की कूटनीतियों को, तो ऐसे लंका में हनुमान जी अकेले आना, और जिस तरीके से पहली दफा जब सीता मैया से मिल रहे हैं अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो माता सीता हनुमान जी से कहती हैं कि जो हनुमान तुमने किया है वो राम और लक्ष्मण भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का गुणगान और आशीर्वाद जानकी माता वो देती हैं किनको, हनुमान जी को। अस्वर दीन जानकी माता, तो क्यों हनुमान जी को ऐसा डायरेक्ट आशीर्वाद जो जगत माता है उनसे मिला, क्योंकि राम रसायन तुम्हारे पास,
ये सारे गुण उन्हें प्राप्त कहां से हुए, कौन सा रसायन पीते थे वो? रामचंद्र जी के दास होने का रसायन। और वो रसायन कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि वो हर समय रघुपति के दासा उस भाव में। तो ये चारों जो लाइन है इस पद के वो कनेक्टेड है। तो अब प्रश्न है कि अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? तो हम देखेंगे कैसे इस संसार में हम लोग जीते हुए हम भी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, न केवल सिद्धियों को, प्रसिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना? उन सिद्धियों के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक तरफ है इस भौतिक संसार के हमारे कार्यकलाप, तो वहां से हम कैसे हनुमान जी द्वारा दिए गए उन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करें जो उन्होंने प्राप्त करी। तो हम शुरुआत करते हैं हनुमान जी के ही जीवन से कि हनुमान जी का जीवन प्रारंभ हुआ शरारतों के साथ, और शरारतों की जीवन से अपनी शरारतें जो उन्होंने की दिखाई, तो शरारत से शराफत, इस पहली सिद्धि को हनुमान जी ने प्राप्त किया। और उनकी शरारतें वो कोई साधारण शरारतें नहीं थी उनकी, कि पैदा होते ही भूख लग रही है उनको, और कोई साधारण वस्तु की भूख नहीं है कि जैसे बच्चे भूखे होते हैं केवल दूध के लिए या कोई बेबी फूड के लिए। सीधे सूर्य को निगलना है, छलांग लगाई सूर्य देव को निगलने के लिए, सबसे पहला फ्रूट ये खाना है मुझे, सूर्य देव को निगलना। सूर्य देव वो घबरा गए कि यहां तक पहुंच कौन रहा है, यहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है, इतने निकट मेरे कौन आ रहा है। और केवल वही नहीं, उनको चुप कराने के लिए, उनको उनकी शरारत बंद करने के लिए वज्र, इंद्र ने अपना वज्र इस्तेमाल किया। और जब उनके हनु पर वो वज्र लगा तो हनुमान ये नाम उनको मिला। तो ये जो हनुमान नाम है इसके पीछे, इसका जो अर्थ है उसके पीछे हनुमान जी की शरारत छिपी हुई है। कोई अगर वो ऐतिहासिक नाम ले उसका अर्थ जानने की कोशिश करे तो शरारत उनकी छिपी हुई, और वहां से तो शुरुआत थी उनकी शरारतों की। केवल उतना ही नहीं, फिर जब वायुदेव अप्रसन्न हुए कि इस प्रकार से मेरे पुत्र को तुम वज्रपात करते हो, तो वायुदेव ने पूरी वायु रोक ली, घुटन होने लगी सबको। ब्रह्मा जी सारे आए और फिर उन्होंने वरदान दिया हनुमान जी को, बहुत सारे वरदान दिए। और जब हनुमान जी को ये सारे वरदान मिले उसके पश्चात फिर हनुमान जी की शरारतें जो और बढ़ी, कि जो एकदम काम कंपोज्ड ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लगे हुए एकांती, वहां जाते थे हनुमान जी, वो लोग गायत्री कर रहे हैं गंगा में या किसी पवित्र स्थान में तीर्थ में गायत्री कर रहे हैं, पानी के नीचे जाके उनके पैर खींच देते थे। उनको पता ही नहीं, अब उनको पता ही नहीं कि है कौन, ये कौन बंदर है, कौन वानर, क्या कर रहा है। एक ऋषि मुनि वो अपनी कुटिया से सुबह सुबह शौचालय के लिए निकल रहे थे, तो हनुमान जी ने कुटिया के सामने एक शेर और हाथी की पूंछ को बांध के खड़ा कर दिया। अब ये बेचारे पतले से साधु महात्मा जी ये जब देखते हैं कि इतना बड़ा शेर और इतना बड़ा हाथी, वो दोनों को पूंछ से किसने बांध रखा, जोर जोर से हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। यहां तक कि नारद मुनि, नारद मुनि की कथा, नारद मुनि आए संगीत सिखाने के लिए, इनके पिता केशरी, उन्होंने नारद मुनि को बुलाया संगीत सिखाओ मेरे बेटे, तो संगीत सिखाया
एक ऐसी धुन सिखाई और फिर कहा कि अब तुम इसको दोहराओ। तो हनुमान जी ने जब उसे दोहराया तो नारद मुनि जो टीचर हैं वो मंत्रमुग्ध हो गए कि इतनी मधुरता से तो मैंने भी नहीं गाया इसे, कि जिस पत्थर पर वो बैठे हुए थे वो पत्थर पिघलने लगा हनुमान जी के गीत और उनके वाणी से, उनके गीत कौशल से वो पत्थर पिघलने लगा। वो नारद मुनि की जो वीणा है वो तैर रही है वो पिघलते हुए पत्थर पर, और हनुमान जी रुक गए, पत्थर फिर से पत्थर हो गया, वीणा अटक गई। नारद मुनि होश में आए, अब देख रहे हैं वीणा वहां से निकल नहीं रही, तो हनुमान जी से आग्रह कर रहे हैं, टीचर अनुरोध कर रहे हैं, फिर से गाइए, इसको रिलीज कीजिए, नहीं गाएंगे। पूरे घर में नारद मुनि को भगा रहे हैं अपने पीछे, ताकि नारद मुनि के चरण धूलि पूरे घर में आ जाए। तो जब ये शरारतें हनुमान जी की चल रही थी, तो हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने फिर ये कह सकते हैं कि वरदान भी दिया और श्राप भी दिया। और क्या श्राप था? कि जब तक कोई याद नहीं दिलाता तुम्हें तुम्हारे इन सिद्धियों के विषय में, तब तक ये सिद्धियां तुम्हारे किसी काम की नहीं होंगी। और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को एक हीरों का हार दिया, और वो ऐसा हीरों का हार था कि वो केवल हनुमान जी देख पाते थे और ब्रह्मा जी को दिख रहा था और किसी को नहीं दिख रहा था, इनविजिबल डायमंड नेकलेस। और ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा कि जिस दिन तुम्हारे आराध्य देव तुम्हें मिलेंगे, या जो व्यक्ति इस हीरों के हार को देख लेगा वो व्यक्ति तुम्हारे आराध्य होंगे। तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट मीटिंग प्रभु श्री राम से हनुमान जी की कहां हुई? किष्किंधा क्षेत्र में। तो किष्किंधा क्षेत्र में जब हनुमान जी अपने आप को एक भिक्षुक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अब देखो रावण है वो भी एक भिक्षुक के रूप में माता सीता के सामने आया था, तो वो भी भेष बदल कर आया था रावण, परंतु उसकी जो चेतना इतनी कुत्सित थी जिसके वजह से उसको दंडित होना पड़ा। परंतु यहां पर हनुमान जी जब भिक्षुक के रूप में आए तो वो सुग्रीव के सचिव बनकर और सुग्रीव की सेवा हेतु, उन्हें उस समय नहीं पता था कि ये कौन है दोनों, राम और लक्ष्मण कौन है, तो वो एक सेवक की भूमिका निभा रहे थे, और जैसे उनको कहा गया था पता लगाने के लिए तो उस हिसाब से वो गए थे। तो भिक्षुक के रूप में, भिक्षुक का भेष लेकर हनुमान जी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और रामचंद्र जी तुरंत हनुमान जी से कहते हैं कि तुम भिक्षुक हो ही नहीं सकते। तो आज दिन तक हनुमान जी ने इन सिद्धियों का इस्तेमाल किया था, रूप बदलना, परंतु कोई पहचान नहीं पाता था। तो हनुमान जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कौन व्यक्ति हैं जो पहचान पा रहे हैं कि मैं भेष बदल कर आया हुआ कोई व्यक्ति हूं। तो रामचंद्र जी ने कहा तुम भिक्षुक हो ही नहीं सकते। तो हनुमान जी पूछे क्यों, कैसे? क्योंकि तुम भिक्षुक का भेष पहने हुए तुमने हीरे को हार तो निकाला नहीं। जैसे ही उन्होंने सुना, ब्रह्मा जी के शब्द याद आए उन्हें कि ब्रह्मा जी ने उनको यह वरदान दिया था कि जो व्यक्ति तुम्हारे गले के इस हीरों के हार को देख लेगा वो तुम्हारा आराध्य देव होगा। तुरंत वो नतमस्तक होते हैं, गिर पड़ते हैं
कि आप कौन हैं, आपका परिचय दीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये पहली सिद्धि जो हनुमान जी दर्शाए अपने जीवन में कि शरारत से शराफत। अब हम हमारे जीवन में कितनी शरारतों के साथ जीवन जीते हैं। जैसे प्रभुपाद कहा करते थे कि बालक जो शरारती होते हैं वो आगे चलकर बहुत बुद्धिमान होते हैं। और उन्होंने एक दफा कन्वर्सेशन में हनुमान जी का ही उदाहरण दिया कि कैसे हनुमान जी बचपन में इतने शरारती थे परंतु उसके साथ साथ इतने, क्योंकि शरारत करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। परंतु वो शरारत कुछ काम की नहीं जब तक राम की सेवा में उसका इस्तेमाल न किया जाए, अर्थात उस बुद्धि का कोई उपयोग नहीं यदि प्रभु श्री राम की सेवा में उसे उपयोग न किया जाए। इसलिए आप देखो हनुमान जी इतने गंभीर मुद्रा में रहते हैं परंतु जब लंका गए तो लंका में शरारतें भी की उन्होंने। अशोक वाटिका का विध्वंस करना, पूरी लंका को जला देना, वहां पे उन्होंने शरारतें भी की। परंतु अब उनकी शरारतें वो बचपन की शरारतों की तरह नहीं थी, अब वो शरारतें राम की सेवा हेतु थी। तो उसे शरारत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शराफत, कि जो राम की सेवा में लगे। दूसरी सिद्धि, जब हनुमान जी अब ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त करने के पश्चात जब एकदम शरीफ हो गए तब उनका स्कूलिंग शुरू हुआ। और हम सब जानते हैं कि उनके टीचर जो भी मास्टर प्रिंसिपल कौन बने? सूर्यदेव। तो डायरेक्टली उनका ट्यूशन, उनका स्कूलिंग कौन कर रहे हैं? सूर्यदेव। सूर्यदेव के पास गए और सूर्यदेव उनकी क्लास में, ऐसा बताया जाता है कि सूर्यदेव निरंतर वो सिखाते रहते हैं, वेद इत्यादि सिखाते रहते हैं और उनके क्लास में एट अ टाइम 60,000 स्टूडेंट्स होते हैं। और सूर्यदेव हैं तो रुकते नहीं कहीं, हर समय वो भ्रमण में उनका विचरण चलता रहता है, वो कैसे रुकेंगे। तो पहले तो जब हनुमान जी आए तो सूर्यदेव ने कहा कि भाई यहां पर तो क्लास फुल है, एडमिशन्स पूरे हो गए, आप लेट हो, अगले साल आना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तो मैं आपके क्लास के बाहर, आपके रथ के बाहर रहूंगा। तो सूर्यदेव बोले कि भाई परंतु मेरा रथ तो हर समय चलता रहता है, तो तुम मेरी गति से कैसे चलोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि आप देख लेना, आप ही के गति से पैरेलली मैं चलूंगा और वो भी उल्टा। तो यहां पर हनुमान जी दिखाए कि जब ज्ञान अर्जित करना होता है तो उसमें सुविधाओं को नहीं देखना है। तो सुविधाओं से कठिनाइयों की जो यात्रा या सुविधाओं से कठिनाइयों की जो सिद्धि, वो हनुमान जी। और अक्सर हम श्रील प्रभुपाद का उदाहरण हनुमान जी से उनकी तुलना करते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद भी समंदर क्रॉस किए, जैसे हनुमान जी ने समंदर क्रॉस किया सीता देवी और राम का संदेश वहां पर पहुंचाने के लिए, तो प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाने के लिए हमारे श्रील प्रभुपाद समंदर क्रॉस किए और समंदर क्रॉस करने के बाद वानर सेना बनाई। श्रील प्रभुपाद एक अलग उपलब्धि उन्होंने प्राप्त की। परंतु जो कठिनाइयों का सामना हमारे श्रील प्रभुपाद को करना पड़ा, सुविधाएं सब थी जब वो वृंदावन में थे, सेवा कुंज में थे, सारी सुविधाएं थी उनके पास, परंतु यदि कुछ पाना है तो सुविधाजनक जीवन में आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। केवल आरामदायक जीवन में केवल
कैलोरीज प्राप्त करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, एक वो किस्सा याद आता है जब इस्कॉन के ऊपर कोर्ट केस हो गया। और क्या कोर्ट केस हुआ? दीज पीपल आर अ कल्ट। कल्ट अर्थात ये लोग बहुत कट्टरपंथी वाले लोग हैं, कट्टरवादी हैं ये लोग। तो ऐसा करार दिया गया कि कल्ट, और कोर्ट में केस। तो प्रभुपाद के सामने जब ये बात आई तो प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, कल्ट किसे कहते हैं? जिसका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई फिलॉसफी नहीं है, और मनगढ़ंत कुछ शुरू कर देते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, भागवत को ले जाओ, श्रीमद् भागवत को ले जाओ, और हम लड़ेंगे हमारा खुद का केस। तो डिवोटीज बोले, लेकिन भागवत को ले जाने से उनको क्या समझ में आया? उनको प्रेजेंट करो, अगर वो कह रहे हैं कि इस्कॉन एक कल्ट है तो प्रेजेंट करो कि कैसे इसका बेसिस है श्रीमद् भागवत, पूरा ग्रंथ फिलॉसफी है। तो कोर्ट में ले गए, भागवत ले गए। तो जज वहां पर, ये सच्ची घटना है, जज पूछ रहा है, तो फिर क्या है डिफेंस में, क्या बोलना चाहोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फर्स्ट श्लोक शुरू किया हमारे डिफेंस में। आप बोल रहे हैं कि हम लोग कल्ट हैं, हम लोग कोई वजूद नहीं है, तो ये आप पढ़िए, सुनिए, इसके बेसिस पे ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी शुरू हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादस्य यतः, पहला श्लोक। पहला श्लोक इतना बड़ा है, उसका ट्रांसलेशन परपोट कितना बड़ा है। तो जज, अभी वो अमेरिका का जज है, उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन इंग्लिश में तो सुना उसने सब कुछ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हियरिंग। नेक्स्ट हियरिंग में और क्या आपके पास प्रूफ है? सेकंड श्लोक, थर्ड श्लोक। अब उसे क्या पता है कि कितने श्लोक है भागवत में, उसे लगा हो गया होगा बस एक श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक। फाइनली वो पूछता है, भाई तुम्हारे पास कितने विटनेस हैं, ये कितने श्लोक हैं ऐसे? बोले अभी तो शुरुआत हुई है, 18,000 हैं, फिर पूरा सेट दिखाया, भागवतम का सेट दिखाया, ये देखो। शुड वी कंटिन्यू? फिर इस जज ने उनके हार्वर्ड के फ्रेंड को फोन लगाया और पूछा कि भाई तुम्हारे अनुसार ये इस्कॉन वाले ये बोनाफाइड है कि नहीं? तो वो हार्वर्ड का प्रोफेसर, वो जानता था, तो उसने कहा, इस्कॉन इस्कॉन इज कंप्लीटली बोनाफाइड। वहां का फिलोसॉफी का प्रोफेसर था, तो वो सब पढ़ रखा था, और उसने फिर बोला। तो फिर फाइनली उस जज ने, श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा था, टर्न कोर्ट केस इनटू भागवतम क्लास। और वो किया डिवोटीज ने, और ये जज ने फाइनली उसने अपना जो ये डिसीजन दिया कि इस्कॉन इज अ बोनाफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोग सब बैठ के सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मुस्कुराते हैं, जय प्रभुपाद, तालियां भी मारते हैं। लेकिन उस समय जिन कठिनाइयों से प्रभुपाद को गुजरना पड़ रहा था, सारी भारत की, अभी भी जब हम विदेश जाते हैं प्रचार करने, तो अभी तो पूरा इस्कॉन सेट है, फिर भी इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अभी जैसे कनाडा के कुछ डिवोटीज आए थे, वो कह रहे थे, रामकथा जब प्रारंभ हुई गोविंद प्रभु की, तो थर्सडे से शुरू हुई थी, तो थर्सडे को वीक डे है, बुधवार भी नहीं है, तो हमारे कुछ मेरे ख्याल से 150-200 डिवोटीज थे। तो ये कनाडा के डिवोटीज कह रहे थे, प्रभु जी इतनी भीड़ होती है आपके मंदिर में? तो हमने कहा, आप अभी 23 का प्रोग्राम देखे नहीं, 23 मार्च का, इसको आप अगर भीड़ बोलते हैं, इसको आप अगर गर्दी बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आपके वहां पे, तो मॉन्ट्रियल से आए थे कनाडा से, वो कहे कि जो थर्सडे के आपके वो शाम के सत्संग के लिए जो लोग आए थे, इतने हमारे जन्माष्टमी पे आते हैं सालाना में एक बार। तो बहुत सी कठिनाइयों से डिवोटीज वहां पे प्रचार कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद ने जो उनका सुविधाजनक, आध्यात्मिक रूप से सुविधाजनक जीवन वृंदावन का छोड़कर वहां पर गए। तो ये जो दूसरी सिद्धि है,
कि सुविधाओं से कठिनाइयों की यात्रा। अब जब उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया सूर्यदेव से, तो वो सूर्यदेव के समक्ष गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। सूर्यदेव गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं कि मेरा एक पुत्र है जो डर के मारे, वाली के डर के मारे किष्किंधा में छिपा हुआ बैठा है, सुग्रीव उसका नाम है, तो जाकर उसकी सेवा करो। अब देखो, बाह्य दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुग्रीव हर तरीके से वो हनुमान जी से इंफीरियर थे, बुद्धि में, शक्ति में, बहादुरी में, युक्ति में, भक्ति में, हर दृष्टिकोण से सुग्रीव, उनका क्वालिफिकेशन कुछ नहीं था हनुमान जी के सामने। परंतु फिर भी हनुमान जी, उन्होंने जो सीखा था उसका आडंबर नहीं किया, क्या बने किंकर, और कोई उफ नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। उनके गुरु सूर्यदेव ने बोल दिया कि सुग्रीव की जाकर सेवा करो, तो बिना किसी प्रश्न के वो सुग्रीव की सेवा करते रहे, करते रहे, करते रहे। यहां तक कि सुग्रीव, जो कि रामचंद्र जी को आश्वासन देने के बाद सुग्रीव भूल गए और इंद्रिय भोग में लग गए, तब भी हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहे और सुग्रीव को सिखाते रहे अपने नम्र तरीके से। हालांकि सुग्रीव वो उनके स्वामी थे, सारे वानरों के स्वामी थे, हनुमान जी के भी थे बाह्य रूप से, परंतु हनुमान जी एक किंकर की भूमिका निभाते हुए। तो यहां पर ये जो तीसरी सिद्धि हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जब हमें हमारे जो वरिष्ठ हैं वो हमें जब आशीर्वाद देते हैं, हमें जब वो एम्पावर करते हैं, तो हमें उसका आडंबर नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल किंकर बनने के लिए करना चाहिए। तो ये है हनुमान जी की तीसरी सिद्धि। और जब हनुमान जी, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी को ये सारी जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी तो हनुमान जी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया, हाँ उसका इस्तेमाल किया। जैसे जब सबसे पहले भेंट होती है रामचंद्र जी से, राम और लक्ष्मण से, जिसकी हमने चर्चा की, तो हनुमान जी कुछ शब्द बोले हैं बस, रामचंद्र जी के समक्ष कुछ शब्द बोले और रामचंद्र जी समझ गए कि ये व्यक्ति के अंदर जो कलाएं हैं, हम सब सुने रामकथा में भी कि रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति जरूर ये ऋग्वेद में निष्णात है। तो लक्ष्मण पूछे, कैसे कैसे ऋग्वेद में कैसे निष्णात है? क्योंकि जिस मुद्रा में ये वानर खड़ा हुआ है, जिस विनय मुद्रा में ये वानर खड़ा हुआ है, जो ऋग्वेदी होते हैं, जो ऋग्वेद में निष्णात होते हैं, वो बात करते समय इस मुद्रा में खड़े होते, कमर थोड़ी सी झुकी हुई और अपने मुख के सामने अपनी हथेली रखे हुए। अब हम लोग कलयुग के वासी, हमको पता नहीं ये कौन सी मुद्रा है, हमको ये अजीब लगता होगा किसी से बात करते समय ये कमर को थोड़ा झुकाना और अपने मुख के सामने अपने मुख को ढकना अपने हथेली से, कई बार अच्छा होता है क्योंकि तो बदबू इतनी आती है तो ढकना अच्छा होता है। परंतु यहाँ पर हनुमान जी जो कि ऋग्वेद में निष्णात और ऋग्वेदी जो होते हैं, वो बात करते समय ऐसे विनय मुद्रा में बात करते, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को दिखा रहे हैं कि ये ऋग्वेद में निष्णात होगा अवश्य। मतलब समझो कि जॉब इंटरव्यू चल रहा है और कुछ शब्द सुनते ही क्वालिफिकेशंस और पूरा बायोडाटा रामचंद्र जी समझ रहे हैं हनुमान जी का। इतना ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि न केवल ऋग्वेदी ये होंगे बल्कि उसके साथ साथ यजुर्वेदी, धारणा शक्ति इनके अंदर है,
जो यजुर्वेद को जानता है, यजुर्वेद के श्लोक ऐसे होते हैं कि अधिकांश यजुर्वेद के श्लोक एक जैसे दिखते हैं, और एक श्लोक से दूसरे श्लोक में अंतर ढूंढ पाना उसके लिए धारणा शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरीके से हनुमान जी बोल रहे थे और अपने शब्दों में अंतर ला रहे थे और समानताएं प्रस्तुत कर रहे थे अपने वाक्यों में, रामचंद्र जी समझ गए कि ये यजुर्वेद में भी निष्णात है। न केवल यजुर्वेद में निष्णात, बल्कि सामवेद में जिस मधुरता से, जो सामवेदी होते हैं उसमें निष्णात जो होते हैं वो एकदम मधुर तरीके से बात करते हैं। तो जिस मधुरता से ये प्रस्तुत कर रहा है वानर अपने आप को, तो ये सामवेद में निष्णात, ये मीमांसक उसमें निष्णात है। इसका व्याकरण देखो, इसका टोन देखो, जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, जो व्याकरण का इस्तेमाल कर रहा है, जिस मुद्रा में ये खड़े हैं, ये सारा एक एक कर ये पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे रामचंद्र जी? कलात्मक जो गुण हनुमान जी का ऑब्जर्व कर रहे थे। परंतु हनुमान जी ने एक बात कह दी अपना परिचय देते हुए कि मैं सुग्रीव का सचिव हूं, जो रामचंद्र जी को अखर गई बात। 4 महीने बात नहीं किया रामचंद्र जी ने, हनुमान जी से 4 महीने बात नहीं की। और कब, अब देखो राम और लक्ष्मण कितने वो बुद्धिमान हैं और कितने सेंसिटिव हैं। तो जब हनुमान जी ने ये वाक्य कह दिया अपने कलात्मक बोलने की शैली के साथ साथ, ये वाक्य कह दिया कि मैं सुग्रीव का सचिव हूं, जो कि रामचंद्र जी को बात पसंद नहीं आई, तो लक्ष्मण का परिचय जब हनुमान जी पूछते हैं, तो लक्ष्मण अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हालांकि मैं शेष हूं, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं शेष हूं, परंतु ये इनका बड़प्पन है कि ये मुझे अपना भाई मानते हैं। और हनुमान जी ने जब लक्ष्मण के मुख से, और जानबूझ के लक्ष्मण ने हनुमान जी को एहसास दिलाने के लिए कि जो थोड़ी सी गलती आपसे हुई है वो अगर सुधर जाएगी तो रामचंद्र जी आपको कंसिडर कर रहे हैं सबसे बड़ा मैसेंजर बनाने के लिए। और फिर कलात्मक उनकी शैली से शरणागत उनका प्रस्तुतिकरण कब हुआ? जब सुग्रीव के समक्ष राम और लक्ष्मण आते हैं और सुग्रीव वो रामचंद्र जी से डायरेक्ट हाथ मिलाते हैं, और हनुमान जी देख रहे हैं अब कैसे बोले, इनके मालिक हैं, इनके स्वामी हैं, कि ये क्या तरीका है? अरे इनके सामने तो पूरी दुनिया नतमस्तक होती है और तुम हाथ मिला रहे हो। इतना ही नहीं, एक और अपराध जो सुग्रीव ने किया कि तुरंत सुग्रीव रामचंद्र जी को बैठने के लिए एक आसन लेकर आए, पेड़ को उखाड़ा और वो पूरा जो उसका ट्रंक है वो लाकर रख दिया और रामचंद्र जी को बैठने के लिए, और खुद भी बगल में बैठे रामचंद्र जी के। तो हनुमान ये सब देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं सुग्रीव, न केवल वो बल्कि लक्ष्मण खड़े हैं, लक्ष्मण को कुछ दिया ही नहीं। तो हनुमान जी तुरंत वो लक्ष्मण के लिए आसन लेकर आते हैं, और कौन सा आसन लेकर आते हैं? चंदन की लकड़ी का आसन, सुपीरियर टू राम्स आसन। और जब रामचंद्र जी ये देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं रामचंद्र जी, जब रामचंद्र जी ये देखते हैं तब रामचंद्र जी जो नाराजगी उनकी थी थोड़ी सी, वो सारी नाराजगी दूर हो जाती है। तो यहां पर हनुमान जी इस चौथी सिद्धि को प्राप्त किए, कलात्मक से शरणागत, इस सिद्धि को वो प्राप्त किए। आगे हम हनुमान जी की कथा में जानते हैं कि जब समंदर पार करने का समय आ जाता है, सारे वो पूरा जो ग्रुप, अंगद का ग्रुप, जहां पर जामवंत, अंगद, हनुमान इत्यादि वो सब बंदर थे,
दक्षिण की ओर वो ग्रुप पहुंचा हुआ है और संपाति ने उन्हें सबसे पहले उन्हें पता चलता है कि सीता कौन सी दिशा में ले जाई गई है। तो अब इस समंदर को 100 योजन वाले समंदर को पार कौन करेगा? तो हम सब ये कथा सुने हैं। तो इसमें हनुमान जी वो सब कुछ धारण किए हुए हैं, जैसे कि हम सब के अंदर भगवान की सेवा करने की धारणा शक्ति है। हमारे साथ भी क्या हुआ, हम सब उन शक्तियों के साथ अपना जीवन जी रहे थे, उसे धारण किए हुए। जब हम प्रभुपाद और उनके अनुयायी जो शुद्ध हैं उनके संपर्क में आए तो वो धारणा प्रेरणा में परिणित हुई। बहुत महत्वपूर्ण है ये सिद्धि कि धारणा से प्रेरणा। गौरांग प्रभु एक बार वो बता रहे थे कि वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशंस पे कर रहे थे, ट्रेन्स में कर रहे थे बॉम्बे के। तो एक व्यक्ति को उन्होंने भगवद गीता दिखाई। इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पिताजी ने ये भगवद गीता ले रखी है, न केवल मेरे पिताजी ने ले रखी है बल्कि मेरे दादाजी ने भी ये भगवद गीता आप लोगों से लिए। तो हम दादाजी ने लिए, पिताजी ने लिए, दो दो भगवद गीता, कोई जरूरत नहीं। तो गौरांग प्रभु ने कहा तो आप भी परंपरा को बढ़ाई, दादाजी ने लिए, पिताजी ने लिए, अब आपका नंबर है। वो बोला नहीं 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 चाहिए मुझे। ठीक है, तो गौरांग प्रभु ने हाथ जोड़ा और हरे कृष्णा बोलकर वो दूसरे बोगी में गए। कुछ समय बाद ये आया, यही व्यक्ति वापस आया, पीछे 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 आया और कहता है वो गीता चाहिए मुझे। तो गौरांग प्रभु पूछे क्या हुआ अचानक, अब कैसे ये परिवर्तन कैसे आया? इस व्यक्ति ने कहा कि जाते जाते आप मुस्कुराए, मुझे देखकर आपने मुस्कुराया। तो गौरांग प्रभु बोले तो मुझे पिछले 1 साल में कई सालों में मेरे तरफ देखकर कोई मुस्कुराया नहीं है। तो गौरांग प्रभु बोले अरे पहले बोल देते, मैं तो जोर जोर से हंसता केवल मुस्कुराना क्या, आई वुड हैव लाफ्ड। तो देखो स्थिति क्या हो रही है आजकल कि कैसे हमें पता नहीं कि जब हम भगवान का संदेश प्रस्तुत कर रहे हैं तो कौन सी चीज किसे कैसे प्रेरणा देगी। तो क्या हनुमान जी की प्रेरणा वो ऐसी थी कि राम का संदेश जाकर वो माता सीता को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, राम का गुणगान, राम का कीर्तन सीता देवी के सामने। अब देखो राम की कीर्ति का गान, राम की कीर्ति के विषय में सीता से ज्यादा और कौन जान सकता है जो इतनी निकट अर्धांगनी है वो प्रभु की। और सीता देवी उस समय अपने प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे। इसलिए हनुमान जी ने जो उनको प्रेरणा प्राप्त हुई है उससे बहुतों के आत्महत्याओं को बचाया है। भरत नंदीग्राम में जब वो गए वापस भरत को संदेश देने के लिए कि फाइनली वनवास पूरा हो गया है, रामचंद्र जी आ रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी जानते थे कि भरत ने जो प्रण लिया है कि 1 मिनट भी अगर मैं लेट हो गया तो अग्नि जलाकर भरत परिक्रमा कर रहे हैं उस अग्नि में अपने आप को झोंकने के लिए। उस समय हनुमान जी पहुंचते हैं, राम कथा सुनाते हैं और भरत की आत्महत्या को रोकते हैं अशोक वाटिका में। देखो नाम है अशोक वाटिका जिसमें सीता देवी पूरे शोक में थी, और अशोक वाटिका में सीता मैया के शोक को दूर किया
हनुमान जी ने, और वो हनुमान जी को प्रेरणा ये सब करने के लिए मिली जामवंत, जिनके विषय में हम गोविंद प्रभु के मुख से सुने थे। तो सोचिए कि ये जो परंपरा है, क्या परंपरा, कि हम मायूस ऐसे ऐसे कलयुग के जीव हैं जिनको कोई देखकर मुस्कुरा तक तक नहीं। अगर कोई जाकर भक्त प्रेम से मुस्कुरा दे, हरे कृष्णा बोल दे, भगवत गीता या प्रसाद दे दे, तो हमें कोई 6 सेशन गीता कोर्स करने का जरूरत नहीं है। कई बार लोग इससे प्रेरणा ले लेते हैं, ऐसी मायूसी छाई हुई है इस कलयुग में। तो ऐसे प्रेरित हनुमान जी सीता को प्रेरणा दे रहे हैं। सोचिए कि क्या कैलिबर है, किसका, जामवंत का। क्रेडिट किसको जा रहा है, जामवंत जी को जा रहा है, जिन्होंने हनुमान जी को प्रेरणा दी और फिर हनुमान जी ने इन टर्न माता सीता को प्रेरणा दी। अब इतना ही नहीं, लंका में हम देखते हैं हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अब रामचंद्र जी ने कोई पूरा प्लान नहीं दिया था कि तुम जाकर क्या क्या करो, पता ही नहीं है कि क्या क्या बीच में कौन कौन सी अड़चनें आएंगी। वो पूरी जो उड़ान उनकी, छलांग जो उन्होंने लगाई, मैनाक, सुरसा, सिंहिका, ये सारों को कैसे बुद्धि से डील किया हनुमान जी ने, युक्ति से, बुद्धि से, शक्ति से, भक्ति से, इन सब से। और इतना ही नहीं, लंका में प्रवेश कैसे करना है बिल्ली बनकर, भेष बदलकर, और सीता को कैसे ढूंढना है, कभी देखा नहीं, लंका में पहली बार जा रहे हैं और वो भी बिना वीजा के, और रावण की लंका में। तो बुद्धि का इस्तेमाल जो उन्होंने किया, परंतु बुद्धि किसी काम की नहीं यदि वो बुद्धि उपलब्धि न दिलाए। तो हनुमान जी की बुद्धि उपलब्धि दिलाकर, जो रामचंद्र जी चाहते थे, पूरी वानर सेना जो चाहती थी, उससे कई गुना ज्यादा उपलब्धि कराकर हनुमान जी लेकर आए। एक सुंदर घटना है, अशोक वाटिका में हनुमान जी ये सारी राक्षसियों को देखा, त्रिजटा जो कि विभीषण की बेटी, तो त्रिजटा को देखने के पश्चात हनुमान जी जान गए कि ये साधारण कोई राक्षसी नहीं है, ये सब वेद में पारंगत ये राक्षसियां हैं। तो हनुमान जी इन सब राक्षसियों को कीर्तन कराना चाहते थे, तो कूदने फांदने लगे, यहां वहां, इस पेड़ से उस पेड़। अब पूरी लंका में एक भी वानर नहीं था, इन्होंने कभी जिंदगी में वानर नहीं देखा था। तो देखो, जैसे कि कोई अगर शहर है, वहां पर अभी जैसे कौवे, सब जगह पर हम कौवे देखते हैं, तो कौवे को देखकर कोई हम लोग अचरज नहीं करते, कौवा कौवा, परंतु अचानक अभी यहां पर कोई बंदर कूदते फांदते जाए तो हम लोग सब वीडियो निकालेंगे। हाँ, कोई व्हाट्सएप वीडियो निकालता है कौवे का नहीं, लेकिन बंदर अगर कूदने लग जाए, कोई अगर मोर दिख जाए हमको, जो रेयरली कभी यहां पर दिखेगा भी नहीं आपको, इसलिए लंका में बंदर नहीं देखा था उसको। तो उन्होंने जब बंदर, ऐसे बंदर को देखा, और ऐसा कलात्मक बंदर, यहां से वहां कूद रहा है, नाच रहा है, तो संस्कृत में बंदर का एक उल्लेख है हरि। तो हनुमान जी, उन्होंने देख लिया कि ये लोग सब यदि मुझे कूदते हुए देखेंगे तो क्या बुलाएंगे, देखो हरि, देखो हरि, देखो हरि, तो हरिनाम होगा इनके मुख से, हरिनाम होगा। तो देखो क्या क्या सोच रहे हैं हनुमान जी, अपनी बुद्धि से उपलब्धि। तो जब संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी निकले थे, तो रावण वो जान गया कि लक्ष्मण जो मूर्छित गिरे हैं, ये संजीवनी लेने के लिए हनुमान गया है, तो ये अवश्य ही सफल होगा। तो रोकने के लिए रावण अपने एक पार्षद को भेजता है जिसका नाम था कालनेमी, और वो कालनेमी भेष बदल कर जाता है।
साधु का भेष लेकर जाता है और हनुमान जी को रास्ते में रोकता है और क्या कहता है, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम पवन पुत्र रामदूत हनुमान हो, मैं जानता हूं और मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिस मिशन के लिए निकले हो तुम सफल होगे, और मैं ये भी आशीर्वाद देता हूं कि ये रावण ये इसका संहार होगा। तो ऐसे करके अब सोचो कि कोई अगर ऐसे वाक्य बोल रहा है तो अवश्य ही हमें लगेगा ना कि हमारा हितैषी है और हम उसे अपना मित्र बनाएंगे। हनुमान जी तुरंत इसे बोले, तुम ढोंगी हो, तुम ये साधु हो ही नहीं सकते। बोले कैसे, क्योंकि तुम बार बार कह रहे हो कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं जानता हूं तुम्हें, मैं कह रहा हूं ये, तो जो मैं इतना करता है वो प्रामाणिक नहीं, तुम ढोंगी आदमी हो। तो हनुमान जी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई हनुमान जी को बेवकूफ नहीं बना सकता था। इसलिए हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से उपलब्धि इस सिद्धि को प्राप्त किया। वीरता से विनम्रता, ये बहुत ही विशेष सिद्धि है जो हनुमान जी ने दर्शाई। जैसे हमने राम किंकर मुद्रा वो देखी हनुमान जी की, तो बहुत से घटनाएं हैं जिसके अंदर हनुमान जी ने वीरता के साथ अपनी विनम्रता वो प्रस्तुत की है, और केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि जो प्रामाणिक रूप से विनम्र हनुमान जी हर समय रहे। जैसे जब जामवंत ने हनुमान जी को चुना, अंगद को नहीं, बाकी किसी वानर को नहीं, स्वयं वो अपने आप को रिजेक्ट कर दिए कि मैं कर पाता था, एक समय था मेरा जब मैं ये सब कर पाता था लेकिन अब नहीं। तो जब जामवंत ने हनुमान जी को चुना और सबने फिर हनुमान जी को चुना, तो हनुमान जी ने पता है क्या किया उस समय, ऐसा नहीं कि हनुमान जी अब तो फाइनली आप लोग पहचान गए ना, हाँ ऐसा नहीं कि वानरों को बोले कुछ सीखा करो अब मुझसे। हनुमान जी एक एक वानर को दंडवत किए छलांग लगाने से पहले, एक एक वानर के सामने नतमस्तक हुए, एक एक वानर से आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने छलांग लगाई वीरता के साथ विनम्रता। और वहां जब पहुंचे तो जब वो माता सीता को रामचंद्र जी का गुणगान, उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं, तो वो उस पेड़ के पीछे छिपे हुए पत्तों के पीछे अपने आप को छिपाए राम कथा सुना रहे थे। यहां पर भी टीकाकार कहते हैं कि हनुमान जी की विनम्रता दिखती है कि राम कथा सुना रहे हैं परंतु सामने किसको रख रहे हैं, राम की कथा को सामने रख रहे हैं, अपने आप को पीछे छिपाए हुए, यहां पर भी उनकी विनम्रता। और एक जो ये घटना हमारे दिल हमारे घर दिल में घर कर जाती है वो ऐसी है कि जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ एक बार बैठे हुए होते हैं, अब देखो लक्ष्मण भी रामचंद्र जी के अनन्य सेवक दास्य भाव में और हनुमान जी भी सेवक दास्य भाव में, तो होता है ना कि जब एक डिपार्टमेंट के दो होते हैं तो उनके अंदर कंपटीशन बहुत होता है। तो रामचंद्र जी टेस्ट करने के लिए कि ये दोनों में कितनी बनती है, किसमें, लक्ष्मण में और हनुमान जी में कितनी बनती है, तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान मैं तुम्हें लक्ष्मण से दो गुना ज्यादा चाहता हूं। तो वो टेस्ट कर रहे थे कि अभी हनुमान जी की प्रतिक्रिया क्या होगी और लक्ष्मण सामने है तो लक्ष्मण की प्रतिक्रिया क्या होगी ये सुनने के बाद,
कि अगर इतना कह देते कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लक्ष्मण का नाम इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी, कि लक्ष्मण से दो गुना ज्यादा। तो जब हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी कहे, इससे समझ में आता है कि आप लक्ष्मण को कितना प्यार करते हो, आपके इस वाक्य से समझ में आता है कि आप लक्ष्मण से कितना प्रेम करते हो। रामचंद्र जी पूछे कैसे, क्योंकि ज्यादातर कोई इस वाक्य को कैसे कहेगा कि मैं मेरी जान से भी ज्यादा तुमको प्यार करता हूं, कोई ऐसे कहेगा ना, मैं मेरे प्राणों से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं। तो आपने प्राणों के बजाय लक्ष्मण का नाम लिया कि मैं लक्ष्मण से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूं, अर्थात लक्ष्मण आपके कौन हुए, प्राण, लक्ष्मण आपके प्राण हुए। देखो हनुमान जी की बुद्धिमत्ता, उनकी तीक्ष्णता और उसके साथ साथ उनकी विनम्रता। तो जब लक्ष्मण ने यह सुना तो लक्ष्मण की विनम्रता देखिए, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को पूछते हैं, लक्ष्मण क्या कहना है, तुम्हारा क्या कहना है इसके। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि देखिए, हनुमान जी ने जो सिद्ध कर कर दिखाया वो मैं भी नहीं कर पाया। क्या? लक्ष्मण कहते हैं कि 25 साल मैंने माता सीता की सेवा की, परंतु नासिक पंचवटी में क्या हुआ, नासिक पंचवटी में क्या हुआ कि माता सीता ने मुझ पर संशय किया। शी कुड ट्रस्ट मी, 25 साल सेवा करने के बाद। परंतु हनुमान जी पहली दफा गए, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं सीता से, और सीता ट्रस्ट कर रही है हनुमान जी को पूरा। ये है हनुमान जी की शुद्धता, हनुमान जी की प्रामाणिकता। तो यहां पर देखो कि दो रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं, उन दोनों की विनम्र वार्तालाप को सुनकर, अगर ऐसी विनम्रता को हम केवल सुन लेते हैं तो हमारा उद्धार निश्चित है, प्रामाणिकता से अगर सुनते हैं तो। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं शेषनाग के रूप में आपको धारण करता हूं, हे रामचंद्र जी, मैं शेषनाग के रूप में आपको धारण करता हूं, परंतु हनुमान जी की शक्ति देखो। हमने वो चित्र देखा है ना, हनुमान जी एक कंधे पे राम को, एक कंधे पर लक्ष्मण को। तो कहते हैं कि हनुमान जी की ऐसी शक्ति है कि वो जो शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी धारण करते हैं और शेषनाग को भी धारण करते हैं। तो इसलिए आपके सर्वोच्च दास्य भक्त वो हनुमान जी है। तो इस प्रकार से वीरता और विनम्रता, ये सिद्धि हनुमान जी ने प्राप्त की। और अंतिम जो सिद्धि हनुमान जी की है कि जिन्होंने केवल राम को नहीं, राम के अभिराम को प्राप्त किया। एक है जैसे कि जब कोई भक्त रामचंद्र जी के भाव में होता है तो वो रामचंद्र जी के भक्ति को अनुभव करता है, रामचंद्र जी के प्रेम को अनुभव कर वो भक्त प्रसन्नचित होता है। परंतु उसकी भक्ति से भगवान राम अभिरामित होते हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है उस भक्त की। इसलिए वो जो स्टोरी है ना, नारद मुनि जब रामचंद्र जी के पास जाते हैं पूछने के लिए कि कौन आपका सबसे बड़ा भक्त है, तो रामचंद्र जी वो डायरी दिखाते हैं कि उसमें से देख लो, सब नाम लिखे हुए हैं, हनुमान जी का नाम ही नहीं उस डायरी में। पूछते हैं कि अरे हनुमान जी का नाम नहीं इस डायरी के अंदर, तो रामचंद्र जी अपने पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकालते, ये लो इसमें हनुमान जी का सबसे पहले नाम। ये कौन सी डायरी, इसमें मेरा नाम नहीं है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि वो डायरी उन डिवोटीज की है जो मेरे बारे में सोचते।
ये डायरी उन डिवोटीज के जिनके बारे में मैं सोचता हूं, और उसमें सबसे पहला उस लिस्ट में नाम है हनुमान जी का। तो रामचंद्र जी को अभिरामित करने वाले हनुमान जी कैसे, कि जब हनुमान जी सीता का संदेश लेकर लौटते हैं तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मेरे आलिंगन के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए। और हनुमान जी रामचंद्र जी से बोलते हैं कि आपके आलिंगन के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जब कोई किसी को आलिंगन करता है तो जब वो उस व्यक्ति से प्रसन्न होता है तब जाकर अभिरामित होता है, तब जाकर आलिंगन करता है। तो ये उपलब्धि जो सर्वोच्च सिद्धि अष्ट सिद्धि की हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो अष्टम सिद्धि उन्होंने प्राप्त की राम के अभिराम, कि रामचंद्र जी को किसमें आनंद मिलता है, वो है हनुमान जी। इसलिए ये श्लोक रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से कहा जाते जाते हनुमान जी के संदर्भ में हनुमान जी का गुणगान स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने श्रीमुख से कहा। एक एक उपकारस्य प्राणान दास्यमि हे कपे, शेषस्य ही उपकाराणाम भवानो ऋणि मे मयम्। रामचंद्र जी कह रहे हैं हनुमान जी से, एक एक उपकार तुम्हारा हनुमान, तुम्हारा एक एक उपकार मेरे एक एक प्राण भी मैं न्योछावर करूंगा तो भी कम पड़ जाएंगे तुम्हारे वो उपकार चुकाने के लिए। और ये तुम्हारे ऐसे उपकार हैं कि मैं नित्य रूप से ऋणी बन चुका हूं तुम्हारे उपकारों के वशीभूत होते हुए। तो ये वाक्य प्रभु श्री राम के हनुमान जी का गुणगान करते हुए, इसलिए राम सेवा हनुमान जी ने कैसी की, तो इसके चार गुण, यदि ये चार गुण किसी सेवक के, राम के सेवक के अपने अंदर आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि वो हनुमान जी के सेवा ग्रुप में है। कैसी होनी चाहिए सेवा जो हनुमान जी ने दर्शाई? टाइमली। सबसे पहले हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा कब की? जब सबसे ज्यादा जरूरत थी रामचंद्र जी को सेवा की। सीता को अगवा कर लिया रावण ने, सबसे ज्यादा जरूरत, जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे उनके जो अमेरिकन डिसाइपल्स उस समय, तो प्रभुपाद बहुत बार उनके इंडियन फॉलोअर्स को बोलते थे दैट दीज अमेरिकन डिसाइपल्स ऑफ माइन दे हेल्प मी व्हेन आई नीडेड द मोस्ट। और इसलिए प्रभुपाद हर समय कहा करते आई विल बी एटर्नली इंडेडेड टू दीज अमेरिकन यूरोपियन डिसाइपल्स हु हेल्प मी व्हेन आई नीडेड द मोस्ट। तो इसलिए सेवा कब होनी चाहिए? जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कह दिया कि वृंदावन से ज्यादा हमारे लिए कुरुक्षेत्र जरूरी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में राधा रानी को सेवा की ज्यादा जरूरत है। कल हमने रथ यात्रा मनाई तो कुरुक्षेत्र से वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण को लेकर आना अपने मनोरथ में, तो राधा रानी को सबसे ज्यादा सेवा की जरूरत कहां पर है? वृंदावन से ज्यादा कुरुक्षेत्र में। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहे हमें कुरुक्षेत्र वो हमारे लिए ज्यादा पूजनीय है। रीजन क्या है? टाइमली सर्विस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, टाइमली सर्विस होगी परंतु उसके साथ वो सर्विस इफेक्टिव भी होनी चाहिए। वन शुड सर्व नॉट जस्ट टाइमली बट वन शुड सर्व इफेक्टिवली। और वो हम देखते हैं कि हनुमान जी जो गए
वो केवल संदेश दिया इतना ही नहीं कि जाके रामचंद्र जी को बोल दिया कि हाँ मुझे पता चल गया कहां पर सीता है, बल्कि क्रिएटिवली उन्होंने लंका को जलाकर एक नमूना, एक्चुअली रावण हनुमान जी के लंका दहन के पश्चात रावण सहम गया था, जैसे जब हनुमान जी वापस लौटे और पूरी रिपोर्ट दी तो रामचंद्र जी हनुमान जी से पूछते हैं कि वो तो सब बताओ, वो तो सब ठीक है, ये बताओ कि तुमने लंका को क्यों जलाया, वो तो मैंने नहीं कहा था लंका को जलाना। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने नहीं जलाई लंका। तो किसने जलाई? हनुमान जी कहते हैं आपने जलाई। रामचंद्र जी बोले मैं तो लंका गया ही नहीं, मैं कैसे लंका जलाऊंगा। तो बहुत सुंदर तरीके से इसका निरूपण हनुमान जी देते हैं, क्लैरिफिकेशन देते हैं रामचंद्र जी को। हनुमान जी कहते हैं कि जब मैं अशोक वाटिका में था तो मैं छिपा हुआ मैंने त्रिजटा के शब्द सुने। त्रिजटा ने सीता देवी को कहा कि हनुमान जी आने से पहले, त्रिजटा ने अभी हनुमान जी को देखा भी नहीं है और हनुमान जी ऊपर पेड़ से छिपे हुए सुन रहे ये कॉन्वर्सेशन, किसका? त्रिजटा और सीता। तो त्रिजटा ने सीता देवी को कहा कि मुझे कल रात एक सपना आया और सपने में मैंने देखा एक वानर आया है लंका में और वानर पूरी लंका को जला रहा है, और उसके पश्चात उस सपने में यह दिखा कि लंका दहन के पश्चात रावण का विनाश निश्चित है। तो हनुमान जी ने जब यह सुना, अब वानर तो मैं हूं, लंका तो अभी तक जली नहीं है, तो क्या यह रामचंद्र जी की इच्छा है, क्या रामचंद्र जी का आदेश है, क्या है? तो हनुमान जी ने कुछ किया नहीं, हनुमान जी के दिमाग में कुछ था नहीं कि लंका को जलाना है वगैरह। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, यदि ये रामचंद्र जी की इच्छा है तो मैं स्वयं से कुछ प्रयास नहीं करूंगा, मेरे बिना प्रयास किए कुछ अगर होता है तो समझ जाना चाहिए कि ये राम की इच्छा है, उनका आदेश है। तो हनुमान जी जानबूझ के इंद्रजीत से गिरफ्तार अपने आप को कराया, उन्होंने जानबूझ के इंद्रजीत ने गिरफ्तार किया, लेकर रावण के सामने हनुमान जी को जब लाते हैं, अब देखो रावण हनुमान जी को तिरस्कृत करना चाहता था तो किसी भी तरीके से कर सकता था, पूंछ में आग क्यों लगाई उसने? हनुमान जी ने थोड़ी बोला था कि मेरी पूंछ में आग लगाओ, अब पूंछ को काट भी सकता था। तो रावण के दिमाग में यह हनुमान जी की पूंछ को आग लगाने का आइडिया दिया किसने? त्रिजटा के सपने में वो वाला सपना, वो भविष्यवाणी किसने डाली? हनुमान जी बोल रहे हैं मैं तो बंधा हुआ था, मैंने थोड़ी कुछ किया, मैं तो बंधा हुआ था। रावण कपड़ा मंगाता है, घासलेट मंगाता है, हाँ, इसलिए हम बोलते हैं हनुमान जी जो हैं, जितने बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके मास्टर हैं हनुमान जी। सारे बिजनेस स्कूल्स को एक तरफ खड़ा करो और हनुमान जी का बिजनेस स्कूल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन मोटो किसी बिजनेस स्कूल का क्या होता है? मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। देखो हनुमान जी ने कैसे दिखाया, लंका को जलाते हुए कैसे दिखाया, कपड़ा रावण का, घासलेट रावण का, माचिस भी रावण की और लंका भी रावण की, लेकिन फायदा किसको हुआ? राम को। तो इसलिए हनुमान जी जैसे बिजनेस स्कूल के एक्सपर्ट और कोई नहीं हो सकते,
सबसे बड़े एमबीए एक्सपर्ट। तो हनुमान जी रामचंद्र जी से बोलते हैं कि मैंने थोड़ी कुछ किया, आपने चलाई है लंका। अब रामचंद्र जी चुप, क्या बोले। तो हनुमान जी ये दर्शा रहे थे कि जब आप हर जगह से बंधे हुए होते हो, सब जगह से आप बंधे हुए हो, और जब ऐसी स्थिति में आपके साथ कुछ हो रहा है जो आपके लिए और मिशन के लिए वो लाभदायक है, तो समझ जाना चाहिए रामचंद्र जी करा रहे हैं, और कोई नहीं, वो रामचंद्र जी करा रहे हैं। इसलिए जब रामचंद्र ने पूछा कि लंका क्यों जलाई, मैंने नहीं जलाई, आप ही ने वो जलाई है। और कोऑपरेटिवली ये बहुत जरूरी है। जैसे वो जब सेतु बन रहा था, तो सेतु बनते समय हम वो गिलहरी की कथा जानते हैं कि गिलहरी वो आके वो रेती के दाने फेंक रही थी, और उस समय हनुमान जी ने रामचंद्र जी की प्रेरणा से कैसे वो गिलहरी से कोऑपरेट किया। तो जब बीच में हनुमान जी गिलहरी को साइड होने के लिए बोल रहे थे कि अरे मैं इतना बड़ा पर्वत लेकर आ रहा हूं आगे इस ब्रिज को आगे बढ़ाने के लिए, तुम बीच में क्यों खड़ी हो, रामचंद्र जी देखते हैं और फिर हनुमान जी को कहते हैं उस पर्वत को नीचे रखो, बड़ा इमरजेंसी का प्रोजेक्ट चल रहा है, रामचंद्र जी बोल रहे हैं सब काम अभी रोकना होगा, नीचे रखो उसको। रख दिया। रामचंद्र जी पूछते हैं हनुमान जी से, हम ये ब्रिज क्यों बना रहे हैं। अब देखो फंडामेंटल क्वेश्चन है, आधा ब्रिज बन चुका है, इसके बाद में रामचंद्र जी ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई आर वी बिल्डिंग दिस ब्रिज, क्यों बना रहे हैं हम ये ब्रिज। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं कि रावण का संहार करने के लिए। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि रावण का संहार तो मैं एक हार्ट अटैक देकर कर सकता हूं, ब्रिज बनाने की क्या जरूरत है। तो हनुमान जी फिर बोलते हैं पूरी वानर सेना को ले जाना है, वहां पर समुद्र कैसे पार करेंगे, इसलिए ब्रिज बना रहे हैं। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि यदि मैं चाहूं तो पूरे समंदर को पी सकता हूं, क्या नहीं कर सकता, मैं पूरा समंदर सुखा सकता हूं मैं। तो हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। हनुमान जी पूछते हैं अब आप ही बताइए क्यों बना रहे हैं। तब रामचंद्र जी बहुत मार्मिक बात बोलते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं क्योंकि मैं तुम सबको इंक्लूडिंग ये गिलहरी, इंक्लूडिंग गिलहरी और सारे वानर और हनुमान, तुम सबको सीता की सेवा में लगाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक तुम लोग सीता की सेवा में नहीं लगोगे तब तक मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। तो वो ब्रिज क्या था, वो ब्रिज केवल लंका तक पहुंचने का ब्रिज नहीं था, वो ब्रिज था कोऑपरेशन का ब्रिज, कि सीता से वापस राम तक पहुंचने का ब्रिज। ये है सेतुबंध का तात्पर्य। तो जब हनुमान जी ये सुनते हैं तो फिर हनुमान जी की सेवा में ये जो चौथा गुण आता है, सर्विंग इन कोऑपरेशन। सो ये जो चार इंग्रेडिएंट्स हैं राम सेवा के, सेवा शुड बी टाइमली, इट शुड बी डन इफेक्टिवली, क्रिएटिवली एंड कोऑपरेटिवली। और जब इन चार इंग्रेडिएंट्स से राम की सेवा बनती है तब रामचंद्र जी की कृपा ऐसी प्राप्त होती है। तो रामचंद्र जी के समक्ष जब हनुमान जी सीता का संदेश लेकर आते हैं और रामचंद्र जी के चरणों में अपने हथेली को रखते हैं, तो तुरंत रामचंद्र जी अपनी हथेली हनुमान जी के सर पर रखते हैं।
जैसे यहां पर दिख रहा है। और उस समय हनुमान जी वो रामचंद्र जी से कहते हैं कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि ये जो सिचुएशन है हम दोनों की, ये हमेशा हमेशा के लिए रहे। जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे ना स्टैच्यू, तो हनुमान जी क्या चाह रहे थे? स्टैच्यू रामचंद्र, बस। तो रामचंद्र जी पूछे क्यों? बहुत सुंदर हनुमान जी ने बात कही, एज लॉन्ग एज माय हैंड्स आर एट योर फीट योर हैंड्स विल बी ऑन माय हेड, एंड एज लॉन्ग एज योर हैंड्स आर ऑन माय हेड आई डोंट हैव टू फियर एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग इन माय लाइफ। तो इसलिए ये सारे जो गुण हनुमान जी सिखा रहे हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो इसलिए आज के दिन यदि हम हनुमान जी से अष्ट सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि उस पद में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि के प्रदाता हैं वो, तो कौन सी अष्ट सिद्धि हमें प्राप्त करनी है उनसे, जो जिनकी हमने चर्चा की, याद है आपको? तो सबसे पहली अष्ट सिद्धि कि शरारत से, शराफत, सुविधाओं से, केवल सुविधाजनक जीवन के पीछे मत भागिए, कठिनाइयों में भगवान की कृपा प्राप्त होती है। आडंबर से किंकर बनिए, कलात्मक से शरणागत, धारणा से प्रेरणा, बुद्धि से उपलब्धि, वीरता से विनम्रता, और फाइनली राम के अभिराम। बोलो हनुमान जी की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। एक और बात जानने लायक है कि हनुमान जी ने यह वरदान मांगा कि जहां कहीं पर भी रामकथा हो रही हो वहां पर मैं मौजूद रहूं, चिरंजीव हुए वो इसलिए। इसके साथ साथ रामचंद्र जी ने एक और प्रण लिया कि जहां पर हनुमान कथा होती है रामचंद्र जी मौजूद होते हैं। तो इसलिए यदि राम हनुमान कथा एक साथ, तो राम और हनुमान जी दोनों मौजूद होंगे।